आज फिर से मैं एक न्यू हेयर स्टाइल लेकर आ गई आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का हेयर स्टाइल है, आप देख सकते हो मेरे हेयर कितने ज़्यादा शॉर्ट है, और आज का हेयर स्टाइल है ब्राइडल हेयर स्टाइल है। ब्राइडल के ऊपर आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मेरे फ्रेंड से आप हेयर स्टाइल हेयर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं और बैक से कुछ इतना लेंथ है, तो इतने हेयर पे मीडियम लेंथ है तो बहुत ज़्यादा, फ्रंट से बहुत शॉर्ट और बैक से मीडियम लेंथ हेयर पे आप ब्राइडल बन हेयर स्टाइल कैसे करोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राइडल्स की आपका बीच की मांग से हेयर स्टाइल बनती है, बाकी आप साइड से भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे बीच की मांग निकाल ली है। उसके बाद से आपको क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर लेना है, आप देखिए यहाँ से कम चार उंगली छोड़ के, और उसके बाद से आपको हेयर उठाना है इस तरीके से। ओके, हेयर में थोड़ा सा पफ कर लेते हैं, आप बैक कॉम्बिंग कर लीजिएगा ताकि आपके हेयर में वॉल्यूम आ जाए। बैक कॉम्बिंग के बाद से बैक कॉम्बिंग को सेट करने के लिए मैं ये वाला स्प्रे यूज कर रही हूँ। इस स्प्रे का नाम है एनजो हेयर स्प्रे, लॉन्ग लास्टिंग है और ऑल हेयर टाइप्स है, इसके ऐसा लिखा हुआ है। मैं अपनी ब्राइडल्स का भी हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो यही स्प्रे यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फॉलो कर दीजिए, मैं इंस्टा आई डी थ्री वाई 24 है। ऊपर से हेयर को थोड़ा सा अच्छे से कॉम कर लेना है ताकि आपका हेयर अच्छे से ऊपर से मैनेज रहे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका बैक कॉम्बिंग ना खुले यहाँ पे। अब हल्का सा इस तरीके से यूज कर लें, दादी को फोन कर लें, बस इतना सा ही, ज़्यादा ऊँचा नहीं उठाना है क्योंकि आजकल ज़्यादातर फ्लैट हेयर स्टाइल चल रहे हैं। वैसे इसको टिकट क्लिप या फिर बॉबी क्लिप या फिर जो सॉरी बॉबी क्लिप या फिर पतला वाला जो क्लिप आता है आप उसे सेट कर दें उसको। इस तरीके से मैंने बना लिया है, ये आपका पफ बिल्कुल खिसकता नहीं है। जैसे जैसे बैक कॉम्बिंग कर दिया आपने तो ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे ऐसे ही रहेगा जब तक आप खुद से इसको सेट नहीं करोगे, मतलब कॉम नहीं करोगे। ओके, तो ये हमने बना लिया। अभी आपको क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स लेनी है, एकदम पतली पतली सी ट्विस्टिंग करनी है। ट्विस्टिंग कभी भी इस तरीके से ऊपर से उठा के स्टार्ट करनी चाहिए, इससे क्या होता है आपकी ट्विस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। ओके, देखिए कितने अच्छे से आ गई है, और एक ही लाइन में इस तरीके से ट्विस्ट करते जाइए। ओके, ध्यान से देख लीजिए, इसको हल्का हल्का सा खींच लीजिए ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए हेयर स्टाइल का। ओके, अब इसको बैग में ले जाके जहाँ पे आपने ये पफ वाला क्लिप लगाया है वहाँ पे ही ले जाके इसको सेट कर देना है। तो एक ट्विस्टिंग वाला हो गया, फिर सेकेंड ट्विस्टिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया था वैसे ही आपको सेकेंड ट्विस्टिंग करनी है, क्योंकि इस तरीके से ऊपर उठा के करोगे उसके बाद हल्का सा खींच देना है, और फिर थोड़े थोड़े हेयर्स लेके पूरा नीचे तक आपको इस तरीके से ट्विस्टिंग करना है, और थोड़ा थोड़ा इसको खींचना है ताकि लुक थोड़ा अच्छा आ जाए। इस तरीके का ब्राइडल्स पे आप बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ब्राइडल्स का हेयर स्टाइल बना रहे हो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि टीका पहले सेट कर लें, क्योंकि बाद में आप टीका सेट करोगे तो वो आपका पफ भी ख़राब हो जाएगा, हेयर स्टाइल भी अच्छी नहीं लगती है, प्रोफेशनल अच्छी नहीं लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि टीका आपको पहले ही लगा लेना है, उसके बाद से आपका हेयर स्टाइल बनाना है। फिर यहाँ से भी आपको इस तरीके से बनाना है, मुझे भी बाहर जाना था इसलिए मैंने टीका लगा के आपको नहीं दिखाया है। अगर आपको चाहिए कि टीका लगा के भी मैं दिखाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में टीका कैसे अटैच करते हैं ब्राइडल्स हेयर स्टाइल पे मुझे बता दूँगी। इतना बनाने के बाद से जैसे आपका ये मेरा बैंक बहुत छोटा है तो यही फिर इसको एक क्लिप से सेट कर दूँगी, अगर आप किसी टाइम में नहीं जा रहा है तो यही से सेट कर देंगे।
और जैसे आपकी बालों के बीच बीच में गैपिंग दिख रही है, इसके लिए आप क्या करोगे, एक यूपी ले लोगे और यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, तीनों जितने आपने ट्विस्टिंग की है उसको इस तरीके से ले जाओगे और स्प्रे मार दोगे तो आपके बालों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा। ओके, और थोड़ी देर के बाद से ये क्लिप आप चाहो तो निकाल दो और चाहो तो ऐसे ही छोड़ देना है। एक साइड हमारा जो बनते हैं दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको बना लेना है, तो मैं इसी तरीके से सेम बनाने हैं इधर का, तो बना के फिर मैं और आगे का हेयर स्टाइल पूरा करती हूँ। अब इस साइड भी हम लोग एक क्लिप लगाएंगे, ये क्लिप ताकि बीच की जो मांग है वो हमारी नाली से इस तरीके से, और यहाँ पे दिख रहा है तो आप यहाँ पे भी एक ये क्लिप लगा दें। ओके, अच्छे से पूरा मांग आपका ढक जाना चाहिए, जितनी भी स्टाइल दिखनी है वो नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद से आप इस तरीके से फ्रे मार दोगे तो जहाँ पे आपकी स्टाइल दिख रही थी वो ढक जाएगी। अभी हम लोग का बैक का ये साइड करना है, इस साइड का जो हमने क्लिप लगाया था उसको हम लोग निकाल देंगे और हमारा हेयर स्टाइल वैसे का वैसे है। अभी साइड का भी जब तक आपका सेट ना हो जाए तब तक आप इन क्लिप्स को नहीं निकालोगे। अभी चलते हैं बैक साइड में, पूरी बालों को बहुत ज़्यादा हाई नहीं बनाना है। इस तरीके से पूरा सेट कर लेना है। जरूर पहनिएगा इस हेयर स्टाइल के साथ, काफ़ी प्यारा लगेगा। तो आपका जो यहाँ पे पिन अपना काम कर चुका है इसको निकाल दीजिए। ओके, आपने जितने भी पिन कटेज किए थे वो सब निकाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है हेयर स्टाइल का फाइनल लुक और ये मैंने इयर रिंग से अपना टीका बनाया है। तो इस तरीके से आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं ब्राइडल्स के लिए और खुद से भी बना सकते हो ये वीडियो देख के। तो कैसा लग रहा है आप लोग को आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर ब्राइडल है, ब्राइडल पार्लर वाली नहीं आ रही है, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे।